जीवन में किसी के भी प्रति जलन, ईर्ष्या, द्वेष आपकी समृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। हमें अपने जीवन में ऐसी आदतों का विकास करना चाहिए जो दूसरों की तरक्की, उनकी समृद्धि पर उतनी ही खुश हों जितने की स्वयं की समृद्धि पर होती हैं। धन समृद्धि के अपरिमित स्रोत से जुड़ने के लिए अपने मस्तिष्क के अवरोधों को हटाना होगा। समाज में, परिवार में, सभी के साथ अच्छे मानसिक व व्यवहारिक संबंधों को बनाकर हम अपने मस्तिष्क ब्लॉकेज को समाप्त करने में सफल हो सकते हैं। जैसे जैसे आपके संबंधों में मधुरता आती जाएगी, हर प्रकार की समृद्धि के द्वार आपके जीवन में खुलते जाएंगे। धनवान बनने के लिए, समर्थवान होने के लिए यूनिवर्सल माइंड का हमें सहारा लेना चाहिए। परमात्मा का सहारा लेते ही, उस अनंत पर विश्वास करते ही हमारी हर समस्या का समाधान होने लगता है। भारतीय परंपरा में मंत्र का बहुत ही महत्व है। उसके रिपीटिशन से जो भी हम चाहते हैं वह मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए धन धान्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सोते समय धन धान्य शब्द को धीरे धीरे शांति के साथ दोहराएं, जैसे मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि शब्दों में बहुत ही शक्ति होती है। उसका रिपीटिशन आपके अवचेतन मन पर उसकी छाप डालता है और वह आपके जीवन में साकार रूप लेने लगता है। अवचेतन मन में हमें हमेशा समृद्धि, दौलत, धन, स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं शांति के ही बीज बोते रहना चाहिए। यह वापस होकर कई गुना आपके पास आएगा। किसी भी चीज के लिए आपके चेतन मन का राजी होना, उसका सहमत होना जरूरी है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उसी चीज को ग्रहण करता है, उसी बात को ग्रहण करता है जिसे आप सच मानते हैं। मन उसी को मैनिफेस्ट करता है जो आपका प्रबल विचार, आपकी गहरी भावना के साथ उठ रहा है। आपका प्रबल विचार समृद्धि, अमीरी होना चाहिए। आप जो भाव विचार करते हैं वही जीवन में प्रस्फुटित होता है। धन की भावना से धन पैदा होता है। जैसे बरगद के बीज से बरगद जन्म लेता है, इसलिए दौलत, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति आदि सभी का सच्चा स्रोत हमारे द्वारा निरंतर सोचे गए विचार ही होते हैं, जिसके अंदर धन धान्य की भावना को जो जागृत करता रहता है, उस भावना से ओतप्रोत रहता है, उसको यूनिवर्स और अधिक देता है। जिसमें उस भाव की कमी रहती है तो उसकी कमी उसके जीवन में भी रहती है। आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते रहते हैं, उस पर निरंतर छाप छोड़ते जाते हैं, वह समय पाकर इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ आपके सामने साकार होने लगता है। हमें चाहिए कि सोकर उठने पर धन्यवाद,
सफलता, समृद्धि, शांति के विचार से अपने को भरें। अपने मस्तिष्क को उन विचारों के साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये जमा पूंजी की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचकर धन धान्य को साकार कर देंगे।